Hi guys, मैं Chavi Mittal and welcome to Being Woman with Chavi. We are at the farm and this little naughty coco. What are you doing, Aram? कल का दिन हम लोग यहाँ पर हमने काफी कुछ किया और मैंने सिर्फ एक काम किया. That was sleeping. I have slept the whole day and if not slept, I was just lying down. मैंने इतना rest तो life में कभी नहीं किया. और मैं steps compare कर रही थी मोहित के साथ. उसके steps कल पूरे दिन में हुए 14,000. मेरे steps हुए 1400. और आज हमें वापस मुंबई जाना है, लेकिन मुंबई जाने से पहले हम लोग क्या क्या करेंगे, एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज हम लोग करने वाले हैं, वो आप जरूर देखिए. यू आर गोना रियली लाइक इट. एंड बिफोर आई टेल यू व्हाट इट इज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और अब आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बैम्बू हाउस बनाएंगे. नहीं. आप हेल्प करोगे? हाँ. अच्छा, और अपनी मम्मा के लिए कॉफी बनाने में हेल्प करोगे? हाँ. चलो फिर. घोड़े बेच के सोएगी? नहीं, घोड़े बेच के सो गए. ओले मेरा बच्चा. अरम को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और बिफोर वी केम टू द फार्म हम लोग सोच रहे थे कि जाएं नहीं जाएं, ठीक रहेगा कि नहीं. तो उसकी जो एक एंटीबायोटिक है ना, वो वाली होती है जो पाउडर फॉर्म में आती है, उसमें पानी डाल के रिकंस्टिट्यूट करके फिर उसको फ्रिज में रखना होता है. और फार्म पे हमारे पास फ्रिज नहीं है. सो व्हाट वी डिड इज बिफोर कमिंग वी बॉट अ फ्रिज. लेकिन कल यहाँ पे बिजली की बड़ी प्रॉब्लम रही तो फ्रिज 3-4 घंटे ऑफ रहा. बड़ी मुश्किल से इसकी मेडिसिन मैनेज की है. और अभी बच्चे का कॉफ कैसा है? कॉफ करके दिखाओ. और आज हमने प्लान किया है कि हम लोग यहाँ पर जितना भी बचा हुआ खाना हमारे पास है ना, वो सारा निपटाएंगे. तो प्याज बचा हुआ है और आटा है, तो हमने सोचा है कि हम प्याज के पराठे बनाएंगे. एंड आई एम गोना मेक दैट टुडे फॉर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स सी हाउ दैट गोज. बट सबसे पहले अरहम, ये क्या कर रहे हैं मेरा कुकू? और अभी मैं कॉफी पीऊंगी और अरहम अरीजा दोनों मैंगो खाएंगे, क्योंकि मैंगो भी तो खत्म करने है ना. क्या ढूंढ रहे हो अरहम? क्या कर रहे हो आप? चप्पल धो रहे हैं. अरे हमारे फार्म पे ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग विजिटर्स आते हैं. काओ आती है, बुल आता है, गोट आती है, डॉग्स आते हैं और हम सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं. फिर वो हर बार आते हैं जब हम यहाँ पे आते हैं. नाउ आई विल गिव यू अ टूर ऑफ द फार्म, क्या क्या काम हो चुका है और क्या क्या काम चल रहा है. सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जिम, क्योंकि वो सबसे पास है. अभी इसकी रूफ लगी नहीं है बट स्ट्रक्चर इज रेडी. दिस इज मोर और लेस हाउ इट्स गोइंग टू लुक. थोड़ी सी मैटिंग डालूंगी और इक्विपमेंट डाल दूंगी. जस्ट इमेजिन यहाँ पे खड़ी होगी जब मैं स्क्वाट्स मारूंगी तो लेग्स का फॉर्म ही अलग आएगा. बट येस, ऑन अ सीरियस नोट, बारिश इज अ मेजर प्रॉब्लम और डस्ट, धूप, इन सब चीजों से इक्विपमेंट को बचाना जरूरी है. अदरवाइज इट्स जस्ट गोना गेट रस्टेड एंड पता चलेगा 15 दिन के बाद मैं आई हूँ बड़ी उम्मीदें लेकर कि जिम करूंगी एंड वर्कआउट करूंगी एंड ऑल दैट, बट कुछ कर ही नहीं पाऊंगी. सो व्हाट वी थॉट इज दैट यहाँ पर चारों तरफ आई एम गोना पुट दोस प्लास्टिक चिक्स विच आर फॉर रेन्स, जैसे कॉफी शॉप्स रेस्टोरेंट्स वगैरह में लगे होते हैं ना बाहर रेन्स के लिए. आई थिंक दैट्स गोइंग टू हेल्प. बाकी एक्चुअली क्या चीज चाहिए और क्या चीज नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रैक्टिकली, वो तो तभी समझ में आएगा जब एक बार जिम रेडी हो जाएगा. और पहली बारिश के बाद क्या होगा वो अभी एंटिसिपेट करना मुश्किल है. बट लेट मी शो यू व्हाट एल्स. तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक पॉन्ड है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. मोहित वांट्स टू मेक दिस इनटू अ फिशिंग पॉन्ड, लेकिन फॉर एनी रीजन अगर फिशिंग पॉसिबल नहीं होती है, ब्रीडिंग नहीं कर पाते हैं, देन वी विल जस्ट डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग हियर. यहाँ पे पूरी वाटर प्रूफिंग हो रही है और उस तरफ एक बाउंड्री वॉल भी बनेगी एंड रफली दिस इज गोइंग टू स्टोर अराउंड 5 लाख लीटर्स ऑफ वाटर. सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड कंजर्वेशन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. क्या करना है? चलो ना. ठीक है, चलो हम केयरटेकर हाउस देख के आएंगे. हाँ, पकड़ो मेरा. तो ये है केयरटेकर्स हाउस. बड़ा बेसब्री से इंतजार है इसके बनने का, बिकॉज जब तक ये रेडी नहीं होगा तब तक फार्म के लिए कोई केयरटेकर नहीं आएगा. अभी क्या होता है, हम लोग आते हैं तो हम लोग सारा दिन झाड़ू पोछा ही करते रहते हैं, खाना ही बनाते रहते हैं. देयर इज नॉट अ मिनट टू रिलैक्स. इन फैक्ट द लाइफ ओवर हियर इन द फार्म इज फार बिजियर देन इट इज इन मुंबई. एंड द केयरटेकर दैट वी हायर्ड, ही इज अ माली एंड हिज वाइफ इज अ कुक. एक और
और चीज जो जिसका काम फार्म पे शुरू हो गया है, दैट इज द बाउंड्री वॉल. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब हम लोग यहाँ नहीं होते हैं तो फ्री कैटल ग्रेजिंग होती है. अभी प्लांटेशन लग जाएंगी तो वील हैव टू कंट्रोल दैट एट सम लेवल. ऑल्सो यू नो फॉर ऑब्वियस रीजन यू नीड टू नो कि ये लैंड जो है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ पर दिस इज नॉट अ थोरोफेयर. सो फॉर दैट रीजन द बाउंड्री वॉल वर्क हैज स्टार्टेड. हाय बोलो मेरे कैमरे में. हाय तो बोल दो. अरे हाय नहीं बोलो. कितने दिन लग जाएंगे आपको ये बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने में? 20 दिन. आप तो फटाफट कर रहे हो, मेरे को लग रहा था 2 दिन में हो जाएगा. प्लांटेशंस का काम भी स्टार्ट हो चुका है. मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी सारी जो है होल्स अभी क्या बोलते हैं, क्या डिगिंग करके रखी हुई है. ट्रीज अभी आए नहीं है. हम लोग जो ट्रीज लगा रहे हैं वो बेसिकली 5 साल से 7 साल तक होल्ड होंगे. एंड वी आर रियली होपफुल दैट अच्छे से मिट्टी पकड़ लेगी उनको और यहाँ पर फ्रूट बेयरिंग ट्रीज लग जाएंगे. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी फार्म पे 2 चीजों की है. एक तो है गर्मी. भीषण गर्म लक्ष्य. इतनी गर्मी है कि क्या बताऊं, कुछ नहीं कर पाते. और बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी अभी भी 3 फेज नहीं है तो एसी नहीं लगवा पा रहे हैं. वी टुक द एफर्ट ऑफ गेटिंग अ फ्रिज बिकॉज रियली कुछ तो चाहिए यार गर्मी में. और दूसरी चीज है मिट्टी. बहुत मिट्टी उड़ती है, बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है. बट आई थिंक वंस द रेन स्टार्ट्स और जब प्लांटेशन हो जाएंगी तो मिट्टी की प्रॉब्लम सेटल हो जाएगी. ऑल्सो जब एक्चुअल फार्म हाउस यहाँ पे बनेगा, स्ट्रक्चर जब घर का बनेगा, तभी मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी. कैंसर अपडेट में नया ये है कि कल का पूरा दिन जो मैं फार्म पे थी और मैं लेटी रही पूरा दिन, सोती रही, इट्स बिकॉज आई वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन. द जर्नी वॉज नॉट वेरी काइंड ऑन मी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर ने बोला है, एक डॉक्टर ने बोला है कि टाइट ब्रास पहनने हैं, दूसरे डॉक्टर ने बोला है कि लूज ब्रास पहनने हैं. और रस्ते में मैंने स्पोर्ट्स ब्रा पहन लिया था which became really tight and I got a little swelling in the breast and that was very very uncomfortable and very very painful. So main basically bas pakad ke baithi rahi thi. But today I'm feeling a lot better. I'm also in better energy. Kal to meri energy bhi bilkul down thi. To aise days hote hain जब तबीयत ठीक नहीं लगती है एंड जब बॉडी बोलती है कि बस और कुछ मत करो. Then I listen to the body. I don't do anything. I wanted to shoot a vlog yesterday but then I didn't. And I just rested and took it easy. So for everybody who's going through a medical condition or health condition, I want to say that please listen to your body. Agar nahi hota hai to mat karo aur hota hai to zarur karo. That's important. And I do a lot of affirmations that really help. So I send out positive energies. I send out positive affirmations and I think that really helps me. Okay. So the highlight of the day today is the bamboo house, which is Mohit's pet project. Let's ask him what is going on. Aram mere gym mein workout kar raha hai. Nice Aram. ये सारे bamboos मंगाए गए हैं और ये लोग जो हैं हमारी help करेंगे. करेंगे ना आप लोग? हाँ. कितनी देर में कर देंगे आप ready हमारा? 10 मिनट 15? चलो आधा घंटा ले लो बस. क्या लगता है कितनी देर का काम है? देखो क्या होता है ना. ओहो अभी ज्ञान आएगा, अभी ज्ञान आएगा. वेट वेट वेट. हाँ अब होता है ना, जल्दी का काम जो होता है ना वो शैतान का होता है और जो आराम से काम होता है ना उसको बोलते हैं भगवान का काम. ओके एक चीज मैं खाली यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि 9:15 बज चुके हैं और 12:30 लेटेस्ट हमको निकलना है, क्योंकि प्लान ये है कि 1:30 बजे जिस रेस्टोरेंट में लंच करना है वहाँ पे वी हैव टू हिट दैट स्पॉट और उसके बाद वी हैव टू हेड होम. तो सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, मैं बता रही हूँ. मेरा तो हो जाएगा, तुम अपना देखो. ये सर्कल का जो डायमीटर है ये है 12 फीट, मतलब सेंटर से 6 फीट मार्क करके ऐसे ग्राउंड चक्कर काटा गया. अब ये होल बन रहे हैं, इसके अंदर हम एक एक बैम्बू प्लेस करके उसको ऐसे ऊपर से कर्व करके विल टाई अ नॉट एंड मेक अ केज एंड देन विल dig a hole around it, the whole thing, and put some creepers on it, and it will become like a nice set out during the rains, during sunny days, if it works. And when I'm very upset with you, then I can bring my coffee and sit over here. तुमको एक bed लगा के दे दूँगा, सो भी इधर ही जाना. ठीक है, यही तुम्हारा plan है. Basically उसका plan है कि जब farm पे आएंगे. और क्या है ना, तुम्हारा gym से नजदीक भी रखा है इसलिए मैंने, ताकि इधर से जाओ workout करो, इधर आओ सो जाओ, इधर जाओ workout करो, इधर जाओ सो जाओ. Let's see, मैं जाके breakfast बनाती हूँ, because प्याज के पराठे जो हैं वो मुझे खाने हैं. Okay, fine. एक चीज है फार्म पे, जितनी बार हाथ वॉश करो ना रेड रेड पानी निकलता है. दही आटे में डाल देंगे. और क्या खत्म करना है सूखी? मैंगो खत्म किया? अभी है मैंगो भी है. अच्छा ठीक है. मगर ये क्या कर रहे हो? मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज ये है कि हमको पराठे बनाने हैं विदाउट चकला, विदाउट बेलन, वो भी स्टफ्ड पराठे बनाने हैं मुझे. गुड मॉर्निंग. It's okay, relax, relax. She's going to lick you. She's going to love you.
कैसा है मम्मा? बहुत अच्छा, बहुत यम्मी। अब अच्छा? नाइस, ये अमेजिंग पराठास, इट इज अमेजिंग। 40 डिग्रीज एंड 80 डिग्रीज पराठा सर्व्ड बाय 160 डिग्रीज ऑफ हॉटनेस। The way the kids are growing up and the experience that the kids have in this place, it's every bit worth it. Finally, हम लोग निकल चुके हैं और अरहम भाई साहब निकलते ही गाड़ी में सो चुके हैं और अब हम लोग रास्ते में रुकेंगे लंच करने के लिए and after that we'll straight head home. So we are here at that restaurant. और एक छोटा सा फोपा ये हो गया है that Mohit has forgotten his wallet at the farm. और हम लोग एक घंटा दूर हैं तो हम लोग यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। मोहित वापस गया है फार्म वॉलेट लाने, यानी कि दो घंटे हम लोग वेट करेंगे एंड बहुत लेट हो जाएंगे घर पहुँचते, बट दैट्स ओके, इट्स एन ऑनेस्ट मिस्टेक, ह्यूमन एरर। सो व्हाइल वी वेट एंड हैव फूड, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीइंग वुमन विद चाबी एंड जॉइन मी नेक्स्ट टाइम फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। दिस इज बोथ ऑफ अस साइनिंग आउट, लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। क्या कर रहा है?